सब्सक्राइब कीजिए आइए एफ चॉइस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। एंड वेलकम, स्वागत आप सभी का आई एफ चॉइस में। तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन? मुझे लगता है ठीक चल रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ करीबन 12 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिनके आपको जवाब देने ही चाहिए। अगर नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रही है, और दे पा रहे हो तो इसका मतलब है ठीक चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इन सेंटेंस में आपको एरर छाड़नी है। तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन की एरर क्या होगी, जल्दी से जल्दी बताइए। मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300 ईयर ओल्ड हाउस इन पटना, बताइए। तो मैं बता दूं, यहाँ दूसरे नंबर में एरर है। अब क्या एरर है मैं बता दूं, इन द 300 ईयर, इन द नहीं होगा, इन ए काउंटेबल है ना, इन ए 300 ईयर ओल्ड हाउस, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच होगा, यानी कि द फ्रेंच माना जाएगा, ठीक है ना। द फ्रेंच का अर्थ होता है फ्रेंच के लोग, यानी फ्रेंच के लोग, पहले ही बताया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन को देखिए। मैं मजबूर हूँ, आपके हाथ में पूरी पावर है, आप वीडियो को पॉज करके और कमेंट में अपना जवाब लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, वीडियो पॉज कीजिए अभी और देख के फिर बताना, ठीक है। अब सुनो, एन ओल्ड मैन इन ए इन द क्राउड वार्न जूलियस सीजर फ्रॉम द डेंजर ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे, वीडियो में बताया था आपको ये सर्टेन था, जो भी दो हिसाब होते हैं, ए सर्टेन और सर्टेन, तो इस हिसाब से इसमें ऑन ए सर्टेन आएगा, ठीक है ना, ए सर्टेन माना जाएगा। अब देख लीजिए आप, इससे पिछली वाली वीडियो कराइए ना, उसमें देखिए आपको दिख जाएगा। एंड जो चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेवर आई हैव लिसेंड टू दिस सच अ ब्यूटिफुल म्यूजिक एज द पीस वी हियर्ड ऑन रेडियो लास्ट नाइट, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए, वीडियो पॉज करके पूरा सवाल देखिए, पूरा क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और उसका जवाब कमेंट में लिखिए। तब तक वीडियो पॉज ही रहने दीजिए, आगे बाद में बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको उसका जवाब बता देता हूँ, ठीक है, कमेंट में देना है। नेवर हैव आई लिसेंड सच, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टू सच अ ब्यूटिफुल म्यूजिक कोई परेशानी नहीं, एज द पीस बी हियर्ड ऑन रेडियो लास्ट नाइट, इसमें भी कोई दिक्कत, तो यानी दिक्कत है वो इसमें है। अब दिक्कत कहाँ है, पीस वी हियर्ड, ये देखिए रेडियो से पहले दा का प्रयोग होगा, दी रेडियो, ऑन दी रेडियो होगा, ठीक है, यानी कि जो प्रॉब्लम थी वो तीन में थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा द अंकल ऑफ माइन, ये तो पहले ही दिख गया यार, द अंकल ऑफ माइन नहीं होगा, एन अंकल ऑफ माइन होगा, ठीक है, एन का प्रयोग होगा यहाँ पर, और कोई दिक्कत नहीं है। हु इज फार्मर, और भी आगे देख रहे थे, हु इज़ ए फार्मर गेव मी ए पीस ऑफ यूजफुल एडवाइस व्हेन आई वेंट टू सी हिम 3 वीक्स अगो, ठीक है, सही है, इसमें ही दिक्कत थी एन में। माय नेवर अलोंग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू नाइट टू सी अ ताजमहल, देखिए दिख गया एट आगरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, नेवर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जो दिक्कत है वो ये है, यहाँ ए नहीं होगा द होगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यू नो वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, डोंट टॉक टू हर शी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, बात मत करो भाई, आजकल गुस्से में रहती है वो बहुत, ट्राई तो नहीं कर रहे। चलिए बताइए, आई थिंक मुझे समझ में आ गया होगा, देखिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, शी आर ऑलवेज रिमेन इन ए टेम्पर, यस यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, और पूरा का पूरा आपका सवाल है वो सही है, रिमेन इन ए टेम्पर होता है, ठीक है। अब आठवां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ ए मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर, ही डज नॉट लाइक टाइप ऑफ दिस मैन, इस तरीके का मैं सवाल आपको बहुत पहले करा चुका हूँ आर्टिकल में, मैंने बताया था ना टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो सीधी सी बात है यार, ये सीधे सीधे हो जाएगा टाइप ऑफ मैन, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लिखते चल रहे हो अपने कमेंट जवाब में, लिखते चल रहे हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना यार, ठीक है, उससे
आपका कुछ नहीं जाता, मेरा उत्साह बढ़ जाता। ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वॉज वास्को डी गामा। बताइए, आते ना पूछ रहे, आपने कभी ऐसे देखा है क्या? ए फर्स्ट ये मतलब ए भी और फर्स्ट भी, ऐसा नहीं होता, दी फर्स्ट होता है। वैसे भी ऑर्डिनल वाला सिस्टम है, देख लेना चाहिए आपको, ठीक है ना, देख लेना। वैसे मैं बता रहा हूँ ना, ए फर्स्ट कभी नहीं होता, दी फर्स्ट होता है, बस ये समझो। मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाई ए स्कूटर। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो ये बाई ए स्कूटर नहीं होता, यानी कि जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है उसके बाई के बाद कोई आर्टिकल नहीं यूज होता, ठीक है ना, आर्टिकल यूज ही नहीं होता, तो बाई स्कूटर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, सीधे सिंपल बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर मदर फॉरबिड हर टू गो टू द सर्कस लेट एट नाइट। तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि क्या गलती है, टू गो टू द सर्कस होगा, ठीक है, यानी कि ये तीन नंबर दी का प्रयोग हुआ इसमें, ठीक है, और हो गया सब, बस छोड़ दीजिए, बस नहीं छोड़ दीजिए। मिस्टर यू झा हैज ए वाइट एंड ए ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। मिस्टर यू झा हैज ए वाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड अ ब्लैक डॉग, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, विच गार्ड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जो हमारा इसमें इसमें नो एरर का ऑप्शन क्लियर कर दिया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की जगह आप कुछ और भी देख सकते हैं, लेकिन आपने ये देखा, इससे पता चलता है आप अपने करियर को लेकर कितने